डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि वस्त्र की बुनाई किस प्रकार की जाती है एवं हैंडलूम के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये एक हैंडलूम है जिस पर बुनाई की जा रही है। तो लूम उस मशीन को कहते हैं जिस पर हम कपड़ा बुनते हैं। ये हाथ से चलने वाले भी होते हैं और बिजली से चलने वाले भी। जो हाथ से चलने वाले लूम होते हैं उन्हें हम हैंड लूम कहते हैं, जबकि जो बिजली से चलने वाले लूम्स होते हैं उन्हें हम पावर लूम्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हैंड लूम पर वस्त्र की बुनाई किस प्रकार होती है। आइए देखते हैं इस लूम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये हम लूम अपने सामने देख रहे हैं। लूम का जो सबसे पहला पार्ट जिसे हम डिस्कस करेंगे, इसे हम कहते हैं वार्प बीम। ये एक लकड़ी की रॉड है गोल, जिसके ऊपर हम वार्प यानी कि ताने के धागों को लपेटते हैं। इस बीम को हम वार्प बीम के नाम से जानते हैं। ये हमारी वार्प शीट कहलाती है, मतलब कि जब वार्प को हम वार्प बीम के ऊपर लपेट देते हैं तो तैयार होने के बाद इसको हम वार्प शीट के नाम से जानते हैं। ये हमारे ताने के धागों को हम वार्प कहते हैं। तो ताने के धागे हैं और ये ताने के धागे एक दूसरी लकड़ी की छड़ के ऊपर से होते हुए गुजरते हैं, जो इन ताने के धागों को सपोर्ट देती है और अपनी पोजीशन में रखती है, टाइट करके रखती है। इसको हम बैक रेस्ट कहते हैं। आप देख सकते हैं लकड़ी का मोटा गोल एक बीम है जिसको हम बैक रेस्ट कहते हैं। ये दो लीज रॉड होती हैं जो ताने के धागों को संभाल कर रखती हैं और अपनी पोजीशन में बनाए रखने में मदद करती हैं। ये दोनों हमारी हील्स होती हैं जिन्हें हम शाफ्ट भी, हीडल्स भी कहते हैं या शाफ्ट भी कहते हैं। ये जो हील्ड होती हैं इनके बीच में बहुत सारे तार होते हैं और हर तार के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसे हम आईलेट कहते हैं। इस छोटे से छिद्र में से होकर ताने के धागे आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा टू शाफ्ट लूम है तो दो शाफ्ट होते हैं, आधे ताने के धागे एक में से निकलते हैं और आधे दूसरे शाफ्ट में से निकलते हैं। ये शाफ्ट ऊपर से एक दोबारा लकड़ी की छड़ से बंधे हुए होते हैं और ये शाफ्ट नीचे की ओर लैम्ब रॉड यानी कि लकड़ी की एक और छड़ होती है उससे कनेक्टेड होते हैं और ये नीचे जाकर फिर ट्रेडल से बंधे हुए होते हैं। ये जो नीचे हम देख रहे हैं 4, 5, 6 ये हमारे ट्रेडल्स हैं और एक मजबूत रस्सी की सहायता से ये हील्स हमारी इससे बंधी हुई होती हैं, ताकि जब चाहे हम जिस हील को ऊपर उठा सकें और दूसरी हील हमारी नीचे ही रहेगी। ये जो कंघी जैसा एक डिवाइस आपको नजर आ रहा है इसको हम रीड कहते हैं। ये रीड हमारा ऊपर स्ले से बंधा हुआ होता है। रीड धागों को, ताने के धागों को कंघी करने का ही कार्य करता है, मतलब उन्हें सीधा रखता है और बाने के धागों को कपड़े पर सीधा पुश करता है। ये जो रीड है ये इसकी जो ऊपर वाली रॉड होती है इसे हम रीड कैप कहते हैं और नीचे ये हमारे वायर्स होते हैं, मतलब कि लोहे के तार होते हैं। इन तारों के बीच में जो गैप होता है उस गैप से हम ताने के धागों को निकालते हैं। सारे ताने के धागे रीड के गैप में से निकलते हैं। इस गैप को हम डेंट कहते हैं, डेंट। तो जितने भी हमारे ताने के धागे हैं वो सारे ही रीड के अंदर से जरूर पास होते हैं और ये हमारा बेस बोर्ड होता है, यानी कि रीड हमारी एक कंघी जैसा डिवाइस है जिसके अंदर जो डेंट होते हैं उससे हमारे सारे ताने के धागे पास होते हैं।
यहीं पर हमारा शटल का मैकेनिज्म होता है, जिसमें कि हमारी ये प्लेट होती है, शटल प्लेट, जो एक फ्रंट प्लेट है और जो पीछे वाला है ये हमारी साइड प्लेट हो गई, और इसके पीछे हमारी बैक प्लेट होती है, ये बैक प्लेट हो गई। तो इसमें हमारी शटल रेस्ट करती है, ये हमारा शटल बॉक्स है। शटल बॉक्स के अंदर फंस कर शटल आगे पीछे, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे को मूव करती है। दो हमारे शटल बॉक्स होते हैं दोनों ओर, और ये हमारी शटल है जो बोट के आकार की होती है, नाव के आकार की। इसके अंदर ही ये हमारी पिन होती है, एक रील होती है, जिसके अंदर हम बाने का धागा लपेट कर उस शटल को आगे पीछे करते हैं। ये हमारा हैंडल है जिसको हम आगे पीछे खींच कर शटल को एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेकर जाते हैं। ये फेल ऑफ द क्लोथ, यानी कि जहाँ पर ताने के धागे कपड़े, बुने हुए कपड़े से मिलते हैं, उसे हम फेल ऑफ द क्लोथ कहते हैं। यानी कि जो हमारा आखिरी बाने का धागा होता है वो हमारा फेल ऑफ द क्लोथ कहलाता है। ये एक टेम्पल, एक छड़ होती है जो हमारे कपड़े को, कपड़े की चौड़ाई को एक समान रखने में हमारी मदद करती है। आगे ये हमारी क्लोथ बीम होती है। क्लोथ बीम पुनः वार्प बीम के जैसी एक बीम है, और बुना हुआ कपड़ा क्लोथ बीम के ऊपर लिपटता जाता है। इन बीम्स को घुमाने के लिए पूरा मैकेनिज्म होता है, तो उसकी सहायता से बाने की जो बीम होती है वो आगे खुलती रहती है, ताने हमारे निकलते जाते हैं बाहर, और जैसे ही कपड़ा वीव होता जाता है तो क्लोथ बीम उसको अपने ऊपर लपेटती जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा हैंडलूम के डिफरेंट पार्ट्स। ट्रेडल से हमारे हील्ड बंधे हुए होते हैं। जब हम ट्रेडल को पाँव से ऊपर नीचे करते हैं तो हमारे हील्ड भी ऊपर नीचे होकर ताने के धागों का शेड बना लेते हैं। इस शेड में से हम शटल के हैंडल के द्वारा उसे खींचकर शटल को आगे पीछे करते हैं, जिससे बाने का धागा हमारा एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचता जाता है। उसको रीढ़ के द्वारा खींचकर कपड़े से चिपका दिया जाता है। इस प्रकार बुना हुआ कपड़ा क्लोथ बीम पर लिपटता जाता है और वार्प आगे बढ़ते जाते हैं।